दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपने जो है पहली अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया, इसमें जो UPSC की भर्तियों में आवेदन को जो है OTR अनिवार्य, अब उसमें जो OTR अनिवार्य कर दिया गया है। OTR इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर बताया गया, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने UPSC से निकलने वाली सभी भर्तियों में वन टाइम पासवर्ड कहने मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें जो अभ्यर्थियों को आवेदन करने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग जो है अभी तक 1.89 लाख जो है पंजीकरण पूरा हो चुका है। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, 1.89 लाख ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR, इन्होंने जो है करा दिया गया, क्योंकि मार्च में कराना था सबको, जो है इन्होंने नहीं कराया। पर अब इकट्ठा जो है 13 लाख से अधिक जो है अभ्यर्थियों के पंजीकरण होने की उम्मीद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया, ऐसे में जो है कि UGC नेट 2023 का आज घोषित होगा परिणाम, मतलब आज जो है UGC नेट का रिजल्ट आ रहा है। जिन्होंने फॉर्म भरा है तो वो आप देख लीजिएगा, UGC के द्वारा जो है भर्ती होने वाली, जल्द भर्ती जो होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। जब आप इसमें पास हो जाएंगे UGC नेट में, तब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा जो है भर्ती का जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया, लर्निंग DL के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। कहने मतलब क्या, अब आपको जो लाइसेंस बनवाने को आवेदन के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है, फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम जो है 2 घंटे जो परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनवाने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लर्निंग का DL बनवाएंगे तो उसके लिए 60 अंकों की परीक्षा होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश में जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए युवाओं को जो अनिवार्य रूप से जो परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा में 60% से कम नंबर लाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया ऐसे में जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जो परीक्षा देनी पड़ेगी। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं। RBJEE व RPF SI भर्ती का 4 साल से इंतजार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नितिन उपाध्याय लॉज में संवाद करते प्रतियोगी छात्र यहाँ पे कह रहे हैं 4 साल हो गए अभी तक को जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है। आपके लिए जो है राजकीय इंटर कॉलेज से खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी के पुरुष और महिला परीक्षा जो है 2018 के रिक्त पद चल रहे जो हैं उनको जो द्वितीय सूची जारी करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है GIC शिक्षक भर्ती 2018 की जारी होगी द्वितीय सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया ऐसे में द्वितीय सूची जारी होगी और राजकीय इंटर कॉलेज के 15 विषयों के लिए जो परीक्षा कराई गई थी यहाँ पर जो है द्वितीय सूची जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर ये बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर क्लियर हो चुका है ये। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 174 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जो है डेंटल सर्जन के 174 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए अध्याचन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2022 के बाद से भर्ती नहीं हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं, 5 वर्ष से डेंटल परिजन के पद खाली चल रहे थे। 2022 में जो है 2382 चिकित्सकों को भर्ती की गई थी। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो BDS का कोर्स करना जरूरी है, नौकरी ना मिलने पर जो है आदमी खुद क्लिनिक खोल कर बैठे पड़े थे, इसलिए इनको जो है बहुत जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट को अपने आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी, वरिष्ठता का पता नहीं, कहने मतलब कि सीनियरिटी का पता नहीं है और यहाँ पर प्रमोशन करने चल रहे हैं, ये बात हो रही है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक के प्रमोशन कार्रवाई जो है हवाई जो है पड़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेडलाइन जो है बीतने के बावजूद भी 1/3 जिलों के जो है अभी जो है उसके अंदर प्रमोशन लिस्ट नहीं आई है। आप देख सकते हैं, ये एक खबर और है कि राजकीय जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें जो है 17 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 21/22 में जारी विज्ञापन का जो है परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी निरस्त को जो है मांगे आवेदन, LTK 2018 का मामला, शिक्षकों के जो रिक्त पदों पर जो अवशिष्ट रिक्त सूची से जारी की जाएगी तैनाती, जो वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी, वेटिंग लिस्ट से इनको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगातार जो आठवें दिन तक जो है वो धरना प्रदर्शन करते रहे, इनको सफलता तो मिल चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्की खान के नेतृत्व में जो है मांगों को किए स्वीकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही खबर यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो जारी कर दी गई है। देख लीजिए कोई फर्जी खबर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट खबर है ये। डेंटल सर्जन के 174 पदों पर होगी भर्ती। बात करते हैं इसमें यूपी बोर्ड की जो है 10th और 12th के जो रिजल्ट कब तक आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि 10th और 12th के परिणाम की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं, अभी बहुत जल्द जो है तारीखें इसमें तय कर दी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में जो है मौके 190 पदों पर जो है प्रोफेसर भर्ती होने जा रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो है अपने आप कर सकते हैं ये। और यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है 57,700 रुपये सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे जो है 57,700 रुपये से लेकर जो 144,200 रुपये सैलरी मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम जो 35 वर्ष इसमें आयु मांगी गई। और इसमें जो आवेदन कैसे करना है ये नीचे आइएगा, और नीचे यहाँ पे जो www.cau.ac.in पर जाके फॉर्म आप भर सकते हैं। बात हो रही 69,000 भर्ती की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 69,000 भर्ती में एक अंक मामले में हाई कोर्ट ने दी 1 हफ्ते की मोहलत, यहाँ पे एक हफ्ते के बाद इनको जो वैकेंसी चाहिए इनको 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अवान्य मामले में सरकार को राहत, यहाँ पर जो है कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं, इस 7 माह बाद एक दिन में 7,500 से ज़्यादा संक्रमित जो है संक्रमित जो हो चुके हैं, और यहाँ पर 40,000 के पार जो है केस हो चुके हैं कोरोना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना से 14 की मौत हो चुकी है, यहाँ पे लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बच के रहिएगा यहाँ पर ये। और एक खबर और निकाली गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडिट कॉलेज के अंतर्गत जो विद्यालय में बहुत से कह रहे हैं सर चपरासी चौकीदार के साथ साथ सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी उसके लिए खुशखबरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है ये यह सुनिश्चित किया जाए कि एक विद्यालय के अंतर्गत जो है सफाई कर्मचारी और एक चौकीदार अनिवार्य रूप से जो है रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है अनिवार्य रूप से जो एक जो है आपको चौकीदार और एक जो है सफाई कर्मचारी इंटर कॉलेज में रखना जरूरी है ना। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए बता दिया गया है वह जल्द आएगी इंटर कॉलेज के अंतर्गत, जो एडिट कॉलेज के अंतर्गत जो भर्ती जो है, अगर इसमें कुछ खबर छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसका जो 100% उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा, आपको जो कमेंट पे जो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख देना है उसका मैं रिप्लाई कंफर्म करके बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन है कोई भर्ती है आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना है आपके हाथ से छूट ना जाए। और एक बार जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।